हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टू। सो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, एंड दैट इज़ यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस की जो मैंने सीरीज बनाई थी। मैंने ऑलरेडी सॉलिड स्टेट का जो एनालिसिस था वो आपको करके बता दिया था लास्ट 7 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का, स्टार्टिंग फ्रॉम 2014 से लेके 2020 तक के जितने भी क्वेश्चन अब तक यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में आए थे, हमने वो सब एनालाइज किया था, जिससे हमें ये पता चला कि कहाँ हमें फोकस करना है और कहाँ हमें फोकस नहीं करना है। ना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं कहूँ तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, जिसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। किस साल में कितने क्वेश्चंस आए और कितने मार्क्स से क्वेश्चन आए, ये पूरा एनालिसिस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वो क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड था, कहाँ से हमें उसे पढ़ना है, कैसे हम पढ़ सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको आपके प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। सी कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, मे बी जाने अनजाने में मुझसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन मिस हो गया हो, या हो सकता है कोई क्वेश्चन हो जो मैंने मेरी नज़र के नीचे ना आया हो, तो आप उसे प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। इस जो भी आप ये PPT देख रहे हो, इसका पूरा PDF आपको जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, दैट इज़ केमिस्ट्री एंड टूल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे ये PDF मैं अपलोड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस एनालिसिस के साथ। सी सबसे पहले स्टार्ट करें 2014 के क्वेश्चन को अगर मैं देखें, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आया था 2014 में था, स्पेसिफाई द बेसिस ऑफ एरविंग विलियम्स सीरीज। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन का, ज़्यादा पढ़ाया जाता है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस से रिलेटेड है। आपको यहाँ पे मेटल आयन दिए हुए थे, उनको अरेंज करना था और इसके पीछे का लॉजिक बताना था क्यों। तो आप जब आप आंसर फ्रेमिंग करना स्टार्ट करेंगे, अब मैं आंसर फ्रेमिंग पे नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट टेलिंग यू हाउ टू राइट एन आंसर, बट मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि ये स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप इसको समझ सकते हो, तो आपको 5 मार्क्स का यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। आप टू द पॉइंट डिस्क्राइब कर सकते हो, मेन चीज़ों को यहाँ पे लिख के आप इससे आंसर मार्क्स गेन कर सकते हो। 2014 का पहला क्वेश्चन। सेकंड था, स्पेसिफाई द बेसिस ऑफ ट्रांस इफेक्ट एंड अरेंज। आपको कुछ लिगेंड्स दिए हुए हैं, आपको ट्रांस इफेक्ट का बेसिस बताना है और इन लिगेंड्स को अरेंज करना है। देखिए, ट्रांस इफेक्ट जो है वो रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ाया जाता है, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल का जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं, स्क्वायर प्लेनार का, तो स्क्वायर प्लेनार के रिएक्शन मैकेनिज्म में ये पढ़ाया जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांस इफेक्ट। इसके ऊपर आप देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। ये जो था स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस से रिलेटेड टॉपिक था, PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन था 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था, कहता है व्हाट आर दी सैलिएंट फीचर्स ऑफ लिमिटेशंस एंड लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थियोरी। सीधे के इसका आंसर आपको तभी बनेगा जब आपको क्रिस्टल फील्ड थियोरी के बारे में बहुत अच्छे से आपने थ्योरी पढ़ी होगी, आपको समझ में आए होंगे और फिर आप वहाँ से मेन पॉइंट निकाल सकते हो। आप यहाँ थोड़ा बहुत कंपैरिजन कर सकते हो VBT के साथ, क्योंकि VBT के बाद CFT आई थी, तो आप थोड़ी VBT की बुराइयाँ कर सकते हो कि क्यों VBT फेल हो गई थी। तो ये कंप्लीटली थियोरेटिकल टॉपिक है, ये तो आपको 11th 12th में भी पढ़ा दिया जाता है। अगर आप 12th स्टैंडर्ड की बुक निकालो तो आपको वहाँ पे डायरेक्ट ये जो सेलिन फीचर्स और लिमिटेशंस है CFT का आपको वहाँ पे मिल जाएगा। शो द स्प्लिटिंग ऑफ D6 आयन इन वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड इन ऑक्टाहेड्रल एनवायरमेंट। अभी तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी, अगर मान लीजिए मेरे पास D6 आयन प्रेजेंट है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में कैसे होगा और वीक फील्ड में कैसे होगा अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। अब हमने वहाँ पे पढ़ा T2g और EG ऑर्बिटल होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे और वीक फील्ड में 6 इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, आपको उसके पीछे का लॉजिक देना था, आपको इसको एक्सप्लेन करना है। 10 मार्क्स आप आराम से यहाँ पे फेच कर सकते हो अगर आपने इसके पीछे का बेसिक्स पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, डिस्कस द ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आइसोमेरिज्म से डील करता है इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ। इसका वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, यूट्यूब पे मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पे मैंने आइसोमेरिज्म को बताया हुआ है। अब इन्होंने ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल दोनों पूछा है, बट मैंने अभी तक ज्योमेट्रिकल का वीडियो बनाया है, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब, हो सकता है आने वाले टाइम में मैं ऑप्टिकल के भी वीडियो बना दूंगा, तो आपको मेरे चैनल से इसके बारे में मिल जाएंगे। नाउ ये आप आइसोमेरिज्म है, इसको आप अजय कुमार की जो बुक है वहाँ से आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे से डिटेल में उन्होंने डायग्राम बनाया हुआ है। आपको सिर्फ डायग्राम बनाना था, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करना था। आप पहले ये कंपाउंड लेंगे, इनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएंगे, सिस एंड ट्रांस, क्या सिस एंड ट्रांस पॉसिबल हैं, आप ये वाला बनाएंगे, क्या यहाँ पे सिस एंड ट्रांस आएंगे या फेक एंड मर आएगा। मुझे लगता है यहाँ पे फेक एंड मर आएगा। अब उस फेक सिस एंड ट्रांस के क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हैं या फेक और मर का क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, तो ये डिटेल्ड कन्वर्जेशन हो जाएगा, डिटेल आपको आंसर लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आप देखिएगा एक ही क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 10 मार्क्स का है। तो इसका जो आंसर फ्रेमिंग होगा वो स्टार्ट होगा कि आप एक मॉलिक्यूल को पकड़ोगे, उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर, फिर उसके ऑप्टिकल आइसोमर। कोशिश कीजिएगा डायग्राम ड्रॉ करने की, क्योंकि डायग्राम से आप बहुत सारी चीज़ों को एक पॉइंट पे बना के एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आप डिस्क्रिप्टिव लिखने जाओगे बहुत सारी चीज़ों को, तो इट मे टेक, बहुत बड़ा आंसर बन जाएगा। तो जितना डायग्रामेटिक होगा उतना ज़्यादा आपके लिए मार्क्स स्कोर करना या आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसी देखिए 2014 में अगर मैं देखूँ 30 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, 30
30 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। टोटल पेपर वन की जो वेटेज होती है वो 250 मार्क्स की होती है। अगर 250 मार्क्स के पेपर में अगर आपको 30 मार्क्स सिर्फ कोऑर्डिनेशन लाके दे सकता, जो कि इजी क्वेश्चन थे, पहला क्वेश्चन इरविंग विलियम सीरीज से था, ट्रांस इफेक्ट, क्रिस्टल फील्ड थियरी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थियरी एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, विच आर रियली इजी टॉपिक्स और ये कोई भी बच्चा यूजुअली कोऑर्डिनेशन पढ़ते समय पढ़ता। चलते हैं अगले पे, 2015 के अगर क्वेश्चंस को देखेंगे, Fe H2O6+ इज एसेंशियली कलरलेस, वाइल आपको यहाँ पे कलर प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करना था कि ये कलरलेस क्यों, हाईली कलर्ड है, ये कलरलेस क्यों है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। कार्बोनाइलेट एनायंस आर मोर देन दोज ऑफ मेटल कार्बोनिल कटायंस, आपको इसके ऊपर एक जस्टिफिकेशन देना था। ये 5 मार्क्स का था। दीज आर इजी क्वेश्चन, ये पहला वाला क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है। आप अगर इस आपको अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड लिगेंड की अगर थोड़ी सी भी नॉलेज, आप इसको आराम से बता सकते हो कि कलर प्रॉपर्टीज़ कहाँ से आ रही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, अरेंज द फॉलोइंग लिगेंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इन इंक्रीजिंग डेल्टा एंड जस्टिफाई योर अरेंजमेंट। आप इसमें से कौन सबसे ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग प्रोड्यूस करेगा, NH3, NF3 या NCl, आपको उसको एक्सप्लेन करना था और जस्टिफाई करना था। इसके बाद द कॉम्प्लेक्स MnCN6 यानी हेक्सासाइनो कॉम्प्लेक्स है मैंगनीज का, इज लेस पैरा मैग्नेटिक देन मैंगनीज हेक्सा एक्वो। अगर हेक्सा एक्वो कॉम्प्लेक्स है तो वो ज़्यादा पैरा मैग्नेटिक है, ये लेस पैरा मैग्नेटिक है, इसको एक्सप्लेन करना था। अब ये अगेन स्ट्रॉन्ग फील एंड वीक फील लिगेंड का अगर आपके पास नॉलेज है, आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। दिस विल गिव यू 5+5 10 मार्क्स। अगला क्वेश्चन था, अकाउंट फॉर दी फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हैं आपको, उसको एक्सप्लेन करना था। ऑल दो दिस मॉलिक्यूल जो आप देख रहे हो यहाँ पे हैज़ 3 बेसिक साइट, नाइट्रोजन, इसके पास 3 बेसिक साइट है जहाँ से वो लोन पर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इट फंक्शन एज अ बाइडेंटेड लिगेंड व्हेन द लिगेंड इज इन एक्सेस, इसके पास तीन तीन नाइट्रोजन है फिर भी वो बाइडेंटेड लिगेंड क्यों बिहेव करता है, व्हाई इट कांट वर्क एज अ ट्राइडेंटेड लिगेंड, आपको इसके पीछे का जस्टिफिकेशन देना था। कॉपर आयोडाइड इज स्टेबल स्पीशीज, कॉपर वन आयोडाइड बट कॉपर 2 आयोडाइड डज नॉट एग्जिस्ट, आपको इसके पीछे का लॉजिक एक्सप्लेन करना था। तो अगेन 5+5 विल गिव यू 10 मार्क्स, बहुत आसान था, आप आराम से कर सकते थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है स्ट्रक्चर ऑफ ए सी। आपके हमने एक रिएक्शन दिया हुआ है, उस रिएक्शन में आपसे पूछा गया है बताइए ए क्या होगा, तो यहाँ पे कुछ लॉग बीटा दी हुई है, आप इसके पीछे की थ्योरी पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा। अब ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप थ्योरी पढ़ोगे तो आपको इसका आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अगर 2015 का देखिएगा तो 2015 में 40 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, कलर कॉम्प्लेक्स पे पूछा गया था, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स लिगेंड स्ट्रेंथ पे पूछा गया था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पे पूछा गया था, तो 40 मार्क्स आप आराम से यहाँ सिक्योर कर सकते थे अगर आपने कोऑर्डिनेशन पढ़ी होती। 2006 में पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन दी पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटिन स्क्वायर प्लेनर। देखिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के ऊपर क्वेश्चन आते हैं और आप देखिएगा बहुत बार आएंगे, और मैंने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, आप उसके ऊपर देख सकते हैं मैंने किस तरीके से स्प्लिटिंग करवाई हुई है, आपको यूट्यूब पे वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, लेबल ईच एनर्जी लेवल प्रॉपरली, आपको एनर्जी लेवल प्रॉपरली वो A1G, T2G, A2G, आपको ये लेबलिंग प्रॉपरली करना है एनर्जी लेवल्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। अगला है कैलकुलेट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी एंड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, आपको स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन है, आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स दे दिया इसका। अब ये आपको अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड की थोड़ी इन्फॉर्मेशन है तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट करना कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर एक BSc MSc का बच्चा होगा आराम से कर सकता है। तो 5 और 5 यहाँ पर भी आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। नाउ अगला क्वेश्चन है 2016 का, ड्रॉ लेबल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल पॉसिबल आइसोमर, ऑल पॉसिबल ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल सब बताने हैं आपको। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर बताने हैं और ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताने हैं, जो भी आपके पास पॉसिबल हैं, ऑफ डाइक्लोरोबिस इथिलीन डायमाइन कोबाल्ट 3 आयन। अब आपको नाम दिया है, पहले तो आप स्ट्रक्चर बनाइए और उसका पॉसिबल आइसोमर्स बनाइए। डज अ मीजोफॉर्म एग्जिस्ट, क्या इसमें कोई मीजोफॉर्म पॉसिबल है, गिव अ रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। तो सी यहाँ पे आपको लॉजिकली मॉलिक्यूल पता होना चाहिए, डायग्राम आना चाहिए और उसके सारे ऑप्टिकल, यानी इन शॉर्ट आपको कहूँ आइसोमेरिज्म की नॉलेज पूरी होनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो आप। नाउ व्हाट आर लबाइल कॉम्प्लेक्सेस, अगेन ये जो लबाइल वाला फंडा है ना, ट्रांस इफेक्ट का फंडा है, आपने जो अभी तक ट्रांस इफेक्ट के क्वेश्चन देखे होंगे, ये ट्रांस इफेक्ट से आता है लबाइल वाला फंडा जो आता है, एंड नॉट ओनली ट्रांस इफेक्ट से आता, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में भी पढ़ाया जाता है, यानी रिएक्शन मैकेनिज्म जो लास्ट में हम पढ़ाते हैं ये उसका क्वेश्चन है। आउटलाइन द रिलेशन बिटवीन लेबिलिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। देखो इसका सिंपल सा आप ऐसे बता सकते हो, VBT के बेसिस पे आपको ये एक्सप्लेन करने कह रहे हैं, कोई कॉम्प्लेक्स लबाइल होगा कि नहीं होगा ये हम कैसे बता सकते हैं। तो इसके पीछे का आंसर फ्रेमिंग बड़ा आसान है, आपको एक दो एग्जांपल लेके आप इसको बता सकते हो। नेम द टाइप ऑफ मेथड यूज इन द स्टडी ऑफ सच कॉम्प्लेक्सेस, कौन सा मेथड हम यहाँ यूज़ करते हैं इनको पढ़ने के लिए, लबाइल है या नहीं है, इसके ऊपर आपको कॉमेंट करना था, आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना था, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है।
अगला है एक्सप्लेन क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। सी देखिए, आप अगर देखें इससे पहले भी क्वेश्चन जो आया था क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करने का था, और यहाँ पर उन्होंने बोला है एक्सप्लेन करो क्या होती है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये जो है बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब आप सोचिए जो बच्चा बीएससी एमएससी कर रहा है जिसने थ्योरी ढंग से सुनी है, ट्रिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको एक मिनट में एक एक लाइन से आंसर नहीं होगा, आपको यहाँ पे पूरा कम से कम एक डेढ़ पेज का आंसर लिखना है आपको, और आपको प्रॉपर 15 मार्क्स चाहिए और साइंटिफिक वर्ड्स के साथ चाहिए, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन चाहिए, पॉइंटर वाइज चाहिए, अगर आप डायग्राम बना सकते हैं सीएफटी का डायग्राम बनाना पड़ेगा। सी यू विल हैव टू पुट योर एंटायर नॉलेज ओवर देयर, शॉर्ट स्वीट एंड क्रिस्प भी रखना है, एट द सेम टाइम आपको उसके अंदर मैक्सिमम चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना है ताकि आपका जो एग्जामिनर है उसे वो सारी चीज़ें मिल जाएं जो वो चाहता है जब वो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के बारे में आंसर को रीड करे, और आपको एकदम सिंपल उसको सिंप्लीफाई भी करके रखना आपका जब आंसर फ्रेमिंग करना आप स्टार्ट करेंगे, और आपको उसके फैक्टर्स भी एक्सप्लेन करने हैं। आपको ये 15 मार्क्स देने वाला है, 15 मार्क्स इस मुझे लगता है काफ़ी इनफ होते हैं बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे करने के लिए ना। आप अगर देखिए अगला है आयुपैक नोमेनक्लेचर, बहुत सारे बच्चे जो बीएससी एमएससी करते हैं उन्हें यकीन नहीं होता कि इतने इतने सिंपल क्वेश्चन पे भी आयुपैक नोमेनक्लेचर आता है, 10 मार्क्स का है। अब सोचिए दो क्वेश्चंस हैं, ये मैं आईआईटी जेएम के बच्चों को कराता हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ये एनओ, यहाँ पे एनओ टू, ये क्या है, बहुत सिंपल है, ये कुछ नहीं है, 5 मार्क्स का एक आयुपैक नोमेनक्लेचर आपको आया हुआ है, आप आराम से 10 मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो आप अगर देखिए अगला है स्टार्टिंग विद पीटीसीएल फॉर प्रिपेयर डायमाइन क्लोरो प्लेटिनम, अब देखिए ये ट्रांस इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये ट्रांस इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, नेम दी आइसोमर फॉर्म, चूज द रेलेवेंट स्टार्टिंग मटेरियल एंड राइट ऑल द स्टेप्स टू गेट दी अदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन दी अबव प्रोडक्ट। तो ये कंप्लीट ट्रांस इफेक्ट से है, ट्रांस इफेक्ट का पढ़ाई ही यहीं से शुरू होता है, और अब देखिए ट्रांस इफेक्ट पे ये तीसरा या चौथा क्वेश्चन है, मतलब समझ जाइए ट्रांस इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2016 में ये क्वेश्चन आया है। अगला है व्हाट आर लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, सी लो स्पिन एंड हाई स्पिन पे तो आपको पक्का क्वेश्चन मिलने वाले हैं, यानी अब ये अगेन स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड से डील करता है, ठीक है, इंडिकेट स्पिन स्टेट ऑफ CO(F6)-3- एंड अमोनिया, सी अमाइन कॉम्प्लेक्स है और एक फ्लोराइड कॉम्प्लेक्स है, एक्सप्लेन देयर मैग्नेटिक कैरेक्टर। तो यहाँ पर आप देखिएगा जब आप CFT पढ़ना स्टार्ट करते हो तो VBT एंड CFT पढ़ते समय ये सारी चीज़ें वहीं पढ़ा दी जाती हैं, लो स्पिन हाई स्पिन सारी चीज़ें, तो आप थ्योरी को अगर ढंग से सुन लोगे इस आंसर को फ्रेम करना बड़ा आसान था, 15 मार्क्स फेच करता है आपको, 15 मार्क्स आपको ला के देता। तो आप अगर 2016 के पेपर को देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर किसी ईयर में आए थे तो 2016 में आए थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 80 मार्क्स, और क्या क्या क्वेश्चन थे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, आइसोमेरिज्म, लबाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस, अगेन क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के दो क्वेश्चन थे, आयुपैक नोमेनक्लेचर जो कि 10 मार्क्स एवं फुकट में दे रहा था आपको, ट्रांस इफेक्ट, सी देखिए ट्रांस इफेक्ट यहाँ पर भी है, आपने ऊपर भी ट्रांस इफेक्ट को यहाँ पे देखा था और यहाँ पर भी ट्रांस इफेक्ट आ रहा था, हाई एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो 2016 का जो पेपर था वो काफ़ी ईजी था मैं कह सकता हूँ कोऑर्डिनेशन के टर्म्स में। 2017 के क्वेश्चन को देखिए, व्हाट डू यू मीन बाई EAN रूल, अरे तो 11th 12th में पढ़ाया जाता, अप्लाई दी कॉन्सेप्ट ऑफ EAN रूल ऑन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, इन फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस पे अप्लाई करो 4-3- एंड ड्रॉ योर कंक्लूजन अबाउट द वैलिडिटी ऑफ द रूल, क्या रूल यहाँ पे वैलिड है नहीं है क्या है बताना है आपको, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगला एक्सप्लेन क्रिस्टल फील्ड थियरी, सीधे की वापस से क्रिस्टल फील्ड थियरी आई है, एक बार सलाइन फीचर्स और लिमिटेशन आया था अब एक्सप्लेन करने का है, इससे पहले भी एक्सप्लेन करने आया था, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम वैलेंस बाउंड थियरी, मैंने आपको तब भी कहा था वैलेंस के साथ कंपेयर कर दो तो आपको वही मार्क्स मिल जाएंगे, हाउ डज थियरी अकाउंट फॉर द फैक्ट दैट CO(F6)-3- पैरामैग्नेटिक वाइल सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो जब आप CFT VBT पढ़ते हो तो हाई स्पिन लो स्पिन, सी देखिए VBT से स्टार्ट होगी कहानी, VBT से के बाद CFT पे जाएगी कहानी, पर VBT पढ़ते समय आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, लिगेंड स्ट्रेंथ पढ़नी पड़ेगी, लिगेंड का स्ट्रेंथ, ठीक है, उसी के बाद आपको स्पिन, उसी में आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएगा, तो ये सारा पार्ट VBT में ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपने कॉम्प्लेक्सेस का कोऑर्डिनेशन का VBT पढ़ लिया तो आप बहुत सारे क्वेश्चन तो एम ही फ्रेम कर सकते हो, आपको CFT पे ज़्यादा क्वेश्चन आते ही नहीं है, CFT पे आपको क्या आएगा, CFT की थ्योरी आ जाती है या उसका फीचर्स आ जाता है या उसके अंदर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पूछा जा रहा है, उससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन, या उसके अंदर डायग्राम क्रिस्टल फील्ड का जो स्प्लिटिंग है, स्प्लिटिंग अलग अलग ज्योमेट्रीज में, ऑक्टाहेड्रल में क्या है, टेट्राहेड्रल में क्या है, स्क्वायर प्लेनर में क्या, आगे आप देखिएगा और आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा आप, ये मेन पॉइंट्स हैं जो पूछे जा रहे हैं, इन्हीं के ऊपर आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं, ठीक है, ये आपको 15 मार्क्स देता तो देखिए ये दो ही क्वेश्चन आपको 25 मार्क्स दे देते थे, दो ही क्वेश्चन 25 मार्क्स और आराम से आप इसमें स्कोर कर सकते हो, क्योंकि जो है वो है, आप मार्क्स कट नहीं कर सकते इसके अंदर, आप जितने मैक्सिमम पॉइंट को इनकॉर्पोरेट करोगे आंसर के अंदर उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो आप अगर 2017 को देखिएगा, 2017 में एक ही क्वेश्चन आया था, एक ही,
आई थिंक सो, हो सकता है मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई हो पेपर एनालिसिस करते समय, आप देख लीजिएगा, मैं खुद सरप्राइज था, मैंने दो बार पेपर जाके चेक करा है। 2017 में सिर्फ दो क्वेश्चन आया था, ये दो क्वेश्चन आए थे, एक 15 का और एक 10 का, सबसे कम मार्क्स के क्वेश्चन यहीं आए थे 25, इससे पहले 2014 में 30 मार्क्स का आया था, तो बड़ा है फिर 25 मार्क्स का हो गया। अब हो सकता है मुझसे कुछ स्किप हो गया हो, तो प्लीज़ एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे आपको सारे पीडीएफ में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ईएन रूल, सीएफटी, वीबीटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इसके ऊपर क्वेश्चन थे। 2018 ड्रॉ द स्ट्रक्चर, सी स्ट्रक्चर के ऊपर आ गया। अब इस क्वेश्चन को आप ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में भी ले सकते हो, ऑर्गेनोमेटेलिक और कोऑर्डिनेशन ऑलमोस्ट कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ स्ट्रक्चर्स वगैरह के मामले में। तो यहाँ पे इसी देखिए, ईटा 6 बेंजीन क्रोमियम और फैक ट्राई एक्वाट्रिस, अभी देखो यहाँ पे फेशियल कहा है उन्होंने, तो आप देख रहे हो, तो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए फैक आ गया, मतलब आइसोमर्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। आयूपैक नोमेनक्लेचर यार, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, आपको ये डबल कॉम्प्लेक्स है, कैन यू सी दिस, इट्स अ डबल कॉम्प्लेक्स। अब ये मैं बच्चों को पढ़ा रहा था थोड़े दिन पहले, मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जहाँ पढ़ाता हूँ, ये डबल कॉम्प्लेक्स है, आपको इसके भी नाम आ रहे। सी, अगर आपने आईआईटी जैम लेवल तक की भी कोऑर्डिनेशन पढ़ रखी है ना, तो भी आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, आपको एमएससी नेट सेट पे जाने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ आईआईटी जैम लेवल का भी अगर पढ़ के जाते हो तो भी आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन आईआईटी जैम में भी आते हैं, यही सारे क्वेश्चन आपको सीएसआईआर नेट में भी मिलते हैं, बस फर्क इतना होता है यहाँ डिस्क्रिप्टिव है, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2018 का था टर्म सिम्बॉल्स, ये टर्म सिम्बॉल्स निकालना था 10 मार्क्स का, हॉलियम 3+, सिर्फ टर्म सिम्बॉल निकाल के देना था, वो भी ग्राउंड स्टेट टर्म सिम्बॉल, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं इसके, मतलब मुझे लगता है आधे पेज में ही ये खत्म हो जाएगा आंसर भी, अगर मैं लिखना स्टार्ट करूँ इसमें, मैं और कुछ डाल ही नहीं सकता, मैं कितनी बकवास करूँगा इस आंसर को लिखने में। तो 10 मार्क्स का है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बन सकता है, इस आंसर बन सकता है इसका, ठीक है। 2018 का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन 2018, डिटरमाइन द ज्योमेट्री ऑफ दिस मॉलिक्यूल, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, आपको ज्योमेट्री डिस्क्राइब करनी विद बैलेंस बॉन्ड थियरी, ठीक है, आपको ज्योमेट्री बतानी है यूजिंग ऑर्गल डायग्राम, दिस इज फ्रॉम स्पेक्ट्रोस्कोपी, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कि कॉम्प्लेक्सेस की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। असाइन दी अब्जॉर्प्शन बैंड्स ऑफ दिस 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 दिस, कैलकुलेट डेल्टा एंड डी क्यूब। अब ये स्पेक्ट्रोस्कोपी से इसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, एक हटके मुझे लग रहा है एक ही ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा जो 2018 में जो स्पेक्ट्रोस्कोपी से आया, इसके अलावा कोई स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन आए नहीं है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ये तो बड़ा सिंपल था, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करना है, इसमें थोड़ी स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो स्पेक्ट्रल ग्राफ है, ऑर्गल डायग्राम वगैरह, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। ये टॉपिक थोड़ा किचकट है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम कंज्यूमिंग है, पर इस पे ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं है, तो आप इस टॉपिक को अगर चाहो तो छोड़ सकते हो, आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हो ना। 2018 का अगला क्वेश्चन है अगेन ट्रांस इफेक्ट, प्रिपेयर अबव आइसोमर स्टार्टिंग फ्रॉम PTCl4। सी देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम PTCl4 ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी था, और कॉन्सेप्ट आपको बनाना है ये PTCl4 से ये कॉम्प्लेक्स को बनाना है, जो भी है आपको ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट का इन्होंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज बता दिया। हाउ डू यू प्रिपेयर दी अबव आइसोमर्स, ये दो आइसोमर आप कैसे बनाएंगे, तो कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन ट्रांस इफेक्ट, आप ट्रांस इफेक्ट से इसका आंसर निकाल के, और ट्रांस डायरेक्टिंग एबिलिटी उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे बता दी है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो आप अगला क्वेश्चन है 2018 का, ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, दोनों आपको यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के बताने थे। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मेटल A2B2C2। अब मेटल A2B2C2 ये हम जैम वालों को पढ़ाते हैं, है ना, मेटल है A2B2C2, आप इसको सारे पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स बना दीजिएगा, आपको 10 मार्क्स वहीं पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप अगर एनालिसिस करें 2018 का, तो 55 मार्क्स स्ट्रक्चर, आयूपैक, टर्म सिंबल, ज्योमेट्री प्रेडिक्शन, ऑर्गल डायग्राम, ऑर्गल डायग्राम एक ही बार आया है ये 2018 में, स्पेक्ट्रल कैलकुलेशन, ये स्पेक्ट्रल कैलकुलेशन ऑर्गल डायग्राम एक साथ आया, ट्रांस इफेक्ट, सी देखिए ट्रांस इफेक्ट यहाँ पर भी था, ट्रांस इफेक्ट यहाँ पर भी था, ट्रांस इफेक्ट ऊपर भी था, तो आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ट्रांस इफेक्ट पढ़ना है भैया, ट्रांस इफेक्ट पढ़ना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, VBT, CFT, ट्रांस इफेक्ट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो डन कर लो। 2019, डिस्क्राइब एनी 3 सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, आइसोमरिज्म से रिलेटेड है, आपको वहाँ पे ये बताना है, कॉम्प्लेक्सेस का सिस्टम डिफाइन करना है, 10 मार्क्स के लिए आपको यहाँ मिल जाएगा। अगला, व्हाट आर द लिमिट, देखो फिर से आ गया, लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थियोरी एंड एक्सप्लेनिंग द बॉन्डिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, व्हाट मॉडिफिकेशंस वर सजेस्टेड टू ओवरकम। अब सीएफटी में क्या मॉडिफिकेशन सजेस्ट किए थे ये आपको एक्सप्लेन करना था 10 मार्क्स के लिए, तो थ्योरी आनी चाहिए। उसके बाद ड्रॉ गिविंग रीजन्स द डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन 5 कोऑर्डिनेट्स, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पे क्वेश्चन आ गया, आपको 5 यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में स्क्वायर पिरामिडल एंड ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, अब ट्राइगोनल बाय पिरामिडल 5
और स्क्वायर पिरामिडल भी 5, यानी दोनों का आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना है, गिविंग रीजंस कि ये स्प्लिटिंग इसमें ऐसी क्यों हुई, उसमें वैसी क्यों हुई, 10 मार्क्स का आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, व्हाई टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन ऑकर इन कोऑर्डिनेट ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेस। अरे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन का मतलब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की बात कर रहे हैं। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बड़ा फेमस टॉपिक है, कोऑर्डिनेशन में यही तो सबसे फेमस है, नेट सेट में आप जाओगे तो। इलस्ट्रेट इट विद सुटेबल एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल लेना है। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ एक्सट्रीम डिस्टॉर्शन टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड बन जाएंगे, स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड का यहाँ से आ जाता। तो अगर आपने सीएफटी पढ़ी है ढंग से, सीएफटी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग अगर आपने ढंग से पढ़ी है, मैंने उसके वीडियोस काफ़ी बनाए हुए हैं यूट्यूब पे, आप देख लीजिएगा, तो आपको ये आंसर फ्रेम करना बड़ा आसान हो जाता, 15 मार्क्स ला के देता आपको। प्रेजेंट द डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग स्कीम इन दिस केस, आपको डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग बताना था। सी देखिए, ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान है अगर आपको थ्योरी आती है, अगर आपने ढंग से सुना है और आपने उन चीज़ों को प्रैक्टिस करके बाय हार्ट किया है। ओके, तो 2019 में 45 मार्क्स के क्वेश्चन है, काफ़ी भयंकर क्वेश्चन, 45 मार्क्स काफ़ी होता है। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स पे आ गए थे, क्रिस्टल फील्ड का लिमिटेशन, क्रिस्टल फील्ड का लिमिटेशन ऊपर भी आया हुआ था, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, यहाँ एक स्प्लिटिंग आई है, स्प्लिटिंग एक और जगह मैंने ऊपर देखी थी कहीं, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पहली बार दिखा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पिछले 7 साल में पहली बार आया, 2014 से अगर मैं स्टार्ट करूँ। 2020 का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, से डिस्क्राइब विद द सुटेबल एग्जांपल द रोल ऑफ चीलेट इफेक्ट, टेम्पलेट इफेक्ट एंड एंट्रोपी कैप। ये देखो, ये स्टेबिलिटी का क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो ये 15 मार्क्स का था। अब ये जो चीलेट इफेक्ट आप बताते थे ना, इसके अंदर एंट्रोपी आपको सब डालना पड़ेगा, प्रॉपरली आंसर बना के देना पड़ेगा विद अ सुटेबल एग्जांपल, ठीक है। ये जैम के बच्चों को मैंने पढ़ाया है, अगर कोई जैम का बच्चा इसे देख रहा होगा तो उसे ये पता चल जाएगा, मैं अन अकेडमी पे जहां पढ़ाता हूं, मैंने ये वहां पे पढ़ाया उन लोगों को, ठीक है, कि कैसे एंट्रोपी इफेक्ट करती है। आपको आंसर फ्रेम करना था 15 मार्क्स का। अगला द कॉम्प्लेक्सेस, ये निकल डायमैग्नेटिक है बट ये वाला पैरामैग्नेटिक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, आपको उनको एक्सप्लेन करना था, स्ट्रक्चर डिड्यूस करना था दोनों कॉम्प्लेक्सेस का। तो मैं यूँ कह सकता हूँ इसमें VBT प्लस मैग्नेटिज्म ये दोनों आ जाएगा, तो VBT और मैग्नेटिज्म का यहाँ पे हेल्प से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते थे। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये 2020 का। ना उसके अलावा वाई DD ट्रांजिशंस आर फॉरबिडन, स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन है, वाई दे आर वीकली एब्जॉर्बिंग एंड वाई डू दे ऑकर एट ऑल। तो ये क्वेश्चन का आंसर स्पेक्ट्रोस्कोपिक इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जो स्टार्ट होती है वो तभी पढ़ा दिया जाता है कि DD ट्रांजिशन फॉरबिडन क्यों, लेपोरेटरी फॉरबिडन अलाउड, फॉरबिडन ट्रांजिशन, DD ट्रांजिशंस अलाउड नहीं है फिर भी होते हैं तो क्यों होते हैं भैया, होने नहीं चाहिए। डेल्टा एल का वैल्यू यहाँ पे तो 0 होता है, नहीं होना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस का आपको स्टार्टिंग में पढ़ा दिया जाता है, अगर आप थ्योरी पढ़ोगे 10 मार्क्स का है, आप इसको आराम से एक्सप्लेन कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है IUPAC, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन है, IUPAC नोमेनक्लेचर डालना है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब एक IUPAC नोमेनक्लेचर 2 मार्क्स का। यहाँ पे इस बार IUPAC नोमेनक्लेचर की वैल्यू घटा दी है, पहले एक IUPAC को 5 मार्क्स का दे रहे थे, ठीक है। 2020 का अगला है द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ कॉपर फ्लोराइड, कॉपर इज 6 कोऑर्डिनेटेड विथ 4 फ्लोरीन, मतलब कॉपर है, 4 फ्लोरीन जो है उनका डिस्टेंस कम है 1.93 एंगस्ट्रॉम और 2 फ्लोरीन जो है वो 2.27। अरे सर, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, जॉन टेलर, मेरे को पहले लगा ये क्वेश्चन देखे कि ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है वो फ्लोराइड एंटी फ्लोराइड वाला, फिर ध्यान से देखा, अच्छा 6 कोऑर्डिनेटेड बोला है, 4 नज़दीक हैं 2 दूर हैं, तो ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन से था और ऊपर से कॉपर दिया हुआ है और जॉन टेलर डिस्टॉर्शन तो सबसे फेमसली हम कॉपर के एग्जांपल से ही पढ़ते हैं, राइट। तो आपको यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का थोड़ा लॉजिक लगाना था और उनको ये प्रूफ ये कन्विंस करना था कि क्यों ये नज़दीक हैं क्यों ये दूर हैं। सिर्फ घुमा फिरा के कॉन्सेप्ट उतने ही हैं। आप अगर देखिएगा, अब मैं इतना एनालिसिस करने के बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का आपको ये कह सकता हूँ कि 7 साल के पेपर्स आप उठाइएगा, 28 क्वेश्चन अब तक आए हैं 7 साल में, 7 साल में 28 क्वेश्चन आए हैं, मतलब अगर मैं ऑन एन एवरेज भी लूँ 28 क्वेश्चन को 7 से डिवाइड कर दो तो 4 क्वेश्चन तो आपको हर साल क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अब अगर एक क्वेश्चन को मैं 10 मार्क्स का भी मान के चलूँ तो 40 मार्क्स ऑन एन एवरेज 40 मार्क्स आपको हर साल मिलेगा। और आपने जिस तरीके से क्वेश्चन देखे, मुझे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा जो बहुत ही एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो जिसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे बहुत ही तुरम खान लेवल की केमिस्ट्री आनी चाहिए। अगर आपने BSc लेवल तक की भी केमिस्ट्री पढ़ी है और 11th-12th लेवल तक की भी, कुछ कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट 11th-12th लेवल के थे, जैसे सेलाइन फीचर्स ऑफ CFT क्या होता है, लिमिटेशंस ऑफ CFT क्या होता है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक क्या होता है, लो स्पिन और हाई स्पिन क्या होता है। भाई जॉन टेलर डिस्टॉर्शन मैं मान सकता हूँ BSc MSc का है, मैं मान सकता हूँ कि जहाँ पे आपको ऑर्गल डायग्राम आया, स्पेक्ट्रोस्कोपी आया, वो थोड़ा मैं मान सकता हूँ कि BSc MSc लेवल का है, पर बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे थे जो ट्रांस इफेक्ट BSc लेवल का था। बट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन मैं यूँ कह सकता हूँ 50-50% आप मान के चल सकते हो,
कि 50-50 का रेशियो है. 50% क्वेश्चन थोड़े बीएससी लेवल के थे, एमएससी लेवल के थे, और 50% क्वेश्चंस को तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि बहुत ही सिंपल थे, कोई भी बच्चा कर सकता है. तो अगर आप पेपर वन की तैयारी कर रहे हो तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपका सबसे इम्पॉर्टेंट होना चाहिए. सी देखिए, मैक्सिमम मार्क्स 250 होते हैं पेपर वन में यूपीएससी के. अगर आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ के जाते हो तो अगर मैं ये 7 साल के क्वेश्चंस को मैं ऐड करूँ तो 330 मार्क्स अब तक आए हैं. अगर 7 से डिवाइड कर दूँ मतलब हर साल ऑलमोस्ट 47 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली, उसको मैं 50 मार्क्स लेके चलता हूँ थोड़ा ऊपर नीचे करके, क्योंकि ये 25 मार्क्स ने एवरेज को बिगाड़ दिया है, ये 30 मार्क्स ने एवरेज को बिगाड़ दिया है. अगर यहाँ पर भी थोड़े मार्क्स बढ़ जाते तो एवरेज अच्छी खासी 50 मार्क्स तक चली जाती. 50 मार्क्स के क्वेश्चन आपको हर साल पेपर में मिलेंगे. दैट अप्रॉक्सीमेटली काउंट्स अराउंड 20%. 20% 250 मार्क्स में से 20% आपको सिर्फ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ही ला के दे सकती है. और भी मैं चैप्टर्स का एनालिसिस करके आपको बताऊंगा, ऑलमोस्ट मैं सारे चैप्टर का एनालिसिस करके बताऊंगा पेपर वन का. तो ये एनालिसिस की जो फोटो है, आप ये जो मैंने ये बनाया हुआ है, आप इसको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हो, आप इसको मेरे इंस्टाग्राम आईडी से ले सकते हो, केमिस्ट्री अनटोल्ड से ले सकते हो. आने वाले टाइम में हो सकता है कि मेरा खुद का जो एप्लीकेशन है केमिस्ट्री अनटोल्ड का जो ऐप है, वहाँ पर मैं कोऑर्डिनेशन का कोर्स लाऊंगा. जितने भी बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब पे, या जो मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर रहे थे जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ या करते हैं, उनको पता है मेरा जो टीचिंग पैटर्न है वो क्या है. मैं बहुत थ्योरेटिकल पढ़ाता हूँ. आप मेरे एप्लीकेशन को जाके एक बार गो थ्रू कर सकते हो. वहाँ पर जाके आप यूपीएससी वालों के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि सॉलिड स्टेट का मैंने एक कोर्स वहाँ पे बनाया हुआ है, सॉलिड स्टेट का अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस. आपको ये सॉलिड स्टेट का कोर्स बहुत हेल्प करेगा. ज़्यादा नहीं है, आपको 10,000, 15,000, 20,000 पे करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली कुछ 299 रुपीज़ पे करने की ज़रूरत है. उसमें भी बहुत बार डिस्काउंट्स मैं दे देता हूँ, यहाँ पे डिस्काउंट्स आ जाते हैं, कूपन कोड जनरेट कर देता हूँ मैं. तो आपको कुछ 200-300 रुपये में आपको ये कोर्स मिल जाएगा सॉलिड स्टेट. तो आप एक बार सॉलिड स्टेट का कोर्स पढ़िए, देखिए. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भैया हाँ, यहाँ से हमारे आंसर राइटिंग हमारी होती है, हम आंसर्स फ्रेम कर पा रहे हैं मुझे सुनने के बाद. यूपीएससी के बच्चे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उसे थ्योरी सुननी पड़ती है. और आपको अगर मैं बता दे रहा हूँ कि ये थ्योरी आपको सुननी है, उसके बाद तो आप आंसर फ्रेमिंग खुद से भी कर सकते हो. यू नो हाउ टू फ्रेम आंसर. और मेरा पढ़ाने का तरीका जो है बहुत थ्योरेटिकल है. मैं सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं पढ़ाता कि जैम वालों के लिए, नेट वालों के लिए, गेट वालों के लिए. मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ, मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ. आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल मिल जाएंगी. तो आप पहले सॉलिड स्टेट का कोर्स देख लीजिए अगर आपको अच्छा लगता है. हर वीडियो के 2 मिनट का प्रीव्यू आपके लिए अवेलेबल है. उसके बाद अगर आपको ऐसा लगे कि भैया हाँ, यहाँ से कुछ फ़ायदा हमें हो सकता है और हमको नॉलेज में कुछ बेनिफिट होता है, तो आने वाले टाइम में मैं कोऑर्डिनेशन का भी कोर्स बनाऊंगा. ऑब्वियसली मुझे बनाना है और मैं बनाऊंगा. फिलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब कोऑर्डिनेशन का कोर्स अवेलेबल नहीं है ऐप पे, बट आने वाले टाइम में प्रोबेबली 1-2-3 महीने या 4 महीने के बाद बन जाएगा, तब आप उसका भी फायदा उठा सकते हो. ये सारे टॉपिक्स मैं वहाँ पे कवर करने वाला हूँ, और कवर करते समय बताऊँगा देखिए ये क्वेश्चन यूपीएससी में इस तरीके से यहाँ पर आया था. क्लियर है ना. मैं आपको बुक्स रिकमेंड कर देता हूँ अगर आप पढ़ना चाहते हो, सेल्फ स्टडी करना चाहते हो. मैं अभी भी ये चीज़ कहूँगा, सी देखिए, एज अ टीचर, ये तो बिजनेस है, मुझे अपने ऐप के बारे में बताना रोजी रोटी का सवाल है. बट ऑनेस्टली अगर मैं आपको एक रिव्यू दूँ, मेरा पर्सनल आपको अगर रिव्यू दूँ, आप अगर सेल्फ स्टडी करके जितना जो आप पायाट या समझेंगे उतना आप किसी भी कोचिंग क्लासेस में चले जाइए, आपको नहीं मिलेगा. हाँ, ये है कि टाइम बच जाता है, हमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ता, हमें लॉजिक्स को, टॉपिक्स को ढूंढना नहीं पड़ता, बनी बनाई चीज़ें हमें मिल जाती हैं, हम सुन के चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं. तो आप अगर सेल्फ स्टडी करने में बिलीव करते हैं, अजय कुमार विल बी द बेस्ट बुक जहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो. ये जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ एनालिसिस करके आपको बताया, ये सारे टॉपिक्स आपको अजय कुमार में मिल जाएंगे. अजय कुमार इंडियन ऑथर है तो लैंग्वेज समझना आसान हो जाएगा, चीज़ें सिंप्लीफाई करके दी हुई हैं. क्योंकि अजय कुमार की जो बुक है वो जैम में हम यूज़ करते हैं और उसको हम नेट और गेट में यूज़ करते हैं, तो वो बुक आप यूपीएससी के लिए यूज़ कर सकते हो. डायग्राम्स वगैरह सब बहुत अच्छे से दिया है. हुई एक अच्छी बुक है जो कि नेट वाले बच्चे ज़्यादातर यूज़ करते हैं, बट हुई जो एक फॉरेन ऑथर है, तो ऑब्वियसली बात है जब वो फॉरेन ऑथर बनाएगा तो वो इंडिया के लिए थोड़ी ना बनाएगा, तो वो उनकी जो लैंग्वेज होगी वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है. इसके अलावा आप रामालिंगम जो बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है, ये मेरी पर्सनल फेवरेट है. छोटी सी प्यारी सी बुक है, काफ़ी अच्छा दिया हुआ, इतना भी डिटेल नहीं है बट ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट आपको सब मिल जाएगा. ठीक है, यूपीएससी का बच्चा वैसे ही काफ़ी स्मार्ट होता है तो उसे शॉर्ट एंड स्वीट भी मिल जाए तो एलोंगेट आराम से कर सकता है. तो आप रामालिंगम के ये 3 बुक्स मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, तीनों बुक बेस्ट हैं. अब इसमें ये मत पूछना इसमें बेस्ट कौन है. अब अजय कुमार नंबर वन लिखी है तो डेट डज नॉट मीन कि वो नंबर वन है, हुई नंबर वन है या रामालिंगम नंबर वन है. दिस 3 बुक्स आर गुड. इसके अलावा आप कोई भी कोचिंग का नोट्स अगर आपको कहीं मिल जाए, वो भले ही जैम का हो या नेट का हो या गेट का हो, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा. अगर कोचिंग क्लासेस का नोट्स मिल जाता है दैट विल हेल्प यू. या आप यूट्यूब के वीडियोस का सहारा ले सकते हैं. सी यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है. कोऑर्डिनेशन एक ऐसा टॉपिक है जो हर टीचर पढ़ाता है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग
केमिकल बॉन्डिंग के बाद अगर इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन मैं कहूँगा वो कोऑर्डिनेशन में होता है। जो आप ईबीटी पढ़ते हो वो केमिकल बॉन्डिंग से ही तो उठाई जाती है, और कोऑर्डिनेशन अगर आपने पढ़ लिया तो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री पढ़ना आपके लिए आसान हो जाता है। तो ये तीन चैप्टर लाइन से लिंक्ड होते हैं, ये तीनों चैप्टर लाइन से लिंक्ड हैं। तो आप कोऑर्डिनेशन पढ़ने से पहले एक बार केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लीजिएगा थोड़ी सी, फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे आइएगा तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगी। अगर आपको वीबीटी हाइब्रिडाइजेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट सब पहले से आता है, आपको सब पता है, तो आप डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो यूट्यूब पे ना भर भर के वीडियोज़ अवेलेबल हैं। अब मेक श्योर करना आप अच्छा यूट्यूबर कोई चूज़ कर लो, जहाँ पे, अब मैं अपना नाम यहाँ नहीं लेना चाहता क्योंकि मैंने कोऑर्डिनेशन पे वीडियोज़ ही नहीं बनाए अभी तक ज़्यादा। हाँ, जॉन टेलर का डिस्टॉर्शन का वीडियो है, आइसोमेरिज्म का भी मैंने थोड़े बहुत वीडियो बनाए हैं। बहुत सारे और यूट्यूबर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दे आर रियली डूइंग गुड। कुछ लेजेंड्स हैं, कुछ पुराने टीचर्स हैं, कुछ नए यंगस्टर्स काफ़ी आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना रहे हैं, बट वो सारे वीडियोज़ जो आपको मिलेंगे वो नेट गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेंगे। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता वो नेट का है गेट का है, आपको तो कॉन्टेंट मैंने बता दिया ना, बस फ़र्क इतना होगा कि वो जो पढ़ाएंगे वो क्वेश्चन सॉल्विंग कराएंगे, ट्रिक्स देंगे, टिप्स देंगे। आप सुन लीजिए ना, टिप्स एंड ट्रिक्स में आपको क्या बुराई हो रही है, आपको लॉजिक्स मिल जाएंगे। हाँ, एक और मैं बात बता देता हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स बाय हार्ट करने की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको आंसर फ्रेमिंग करने में डिफिकल्ट होगी। आपको चाहिए थ्योरी, आपको उसके पीछे के लॉजिक्स, आपको पॉइंट्स बनाने हैं, आपको आंसर्स लिखने हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा थोड़ा थ्योरेटिकल। तो यूट्यूब के वीडियो से कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा और कोई भी बुक यूज़ करके आप उससे उस थ्योरी को पढ़ लीजिएगा, तो वो वर्ड्स जो हैं, जो इंग्लिश है, वो आपको वहाँ से मिल जाएगी, तो आपका आंसर फ्रेमिंग करना हो जाएगा। दिस वे यू कैन हेल्प। आने वाले टाइम में अगर मैंने कोर्स बनाया तो आप मेरे ऐप का यूज़ कर सकते हो, मेरा भी भला हो जाएगा, आपका भी भला हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये एनालिसिस आपके कुछ काम आया, एंड प्लीज़ डू मेक दिस एंड डू लेट मी नो इन दी कॉमेंट बॉक्स कि कितना हेल्प किया आपको, एंड और किस टॉपिक पे आपको मेरा ऐसा एनालिसिस चाहिए। मेरा स्पेशलाइजेशन पेपर वन है, पेपर टू ऑर्गेनिक है, तो मैं पेपर टू में जितने जल्दी हाथ नहीं डाल सकता, मुझे टाइम लगेगा पेपर टू का पूरा एनालिसिस करके निकालने के लिए, ठीक है। मेरी स्पेशलाइजेशन फिजिकल केमिस्ट्री है एंड आई एम समवेयर कंफर्टेबल विद इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करो यार, IAS IPS ऑफिसर्स की बहुत ज़रूरत है हिंदुस्तान को। टेक केयर।